उससे हाथ जुड़वाओ और अपनी बहन को घर लेकर जाओ। ये मेरे घर की रहन दो, भैया रहन दो, इनका बेटा कोई सोने का गुड्डा नहीं है, ठीक है? आप उसको सिर पे बिठा के भाग ले गया तू। भैया मुझे नहीं करनी अब शादी, इससे नहीं करनी तो ठीक है जाओ, मुझे भी नहीं करवानी। किसी का भी नहीं सुनती वो लड़की, तू अब भी उधर जा ना, अपने भाई की सुन रही है ना किसी की सुन रही है, जकड़ कर 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 करके जो बांध देती है। एक बात पता चल गई है कि मुझे किसी, मैं तुम्हारी मम्मी को जज कर रही हूं, मेरा पापा आकर कहे कि 60% है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई 100% है, तो तुम्हें कैसा फील होगा? हेलो गाइस, आपको तो पता ही है घर पे क्या कुछ चल रहा है। मैंने सिया के पापा को और सिया के भाई में जो भी डिफरेंस देखा, मुझे सिया के भाई में बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा शायद उसी के बेटे के कहने पर मैंने आज उसको फ़ोन किया है, तो वो मिलने आ रहे हैं। देखो अगर सिया में कुछ भी बदलाव आता है तो मैं बात आगे बढ़ाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। A few moments later. कैसे हो? बस ठीक हूँ। मुझे उस दिन कहा तो मिलके गए, तो मैंने तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे उससे मैंने कुछ अपने माइंड में सोचा कि चलो कोई नहीं, घर का फैमिली का कोई एक बंदा तो समझदार है, तो तुम पे ट्रस्ट करके ही मैं आगे सोचने के लिए तैयार हूँ। नहीं आंटी देखो, ये तो आपका बड़कपन है, जो आपने हमारी गलती को माफ़ करके हमें बुलाया यहाँ पे, हम आए आपको, आपने यहाँ आने का मौका दिया हमें, मैं इसको समझा के तो लाया हूँ, बाकी अब देख लो, क्योंकि हम तो चाहते हैं। देखो बेटा, वहाँ ये इकलौती है, यहाँ मेरा बेटा इकलौता है, ना उसके आगे बहन है ना भाई है, जो भी है हमारा उसी का ही है। लेकिन मैं भी तो ये चाहूँगी ना कि अगर हमारे सामने ही वो सही रास्ते पे जाए, चाहती हूँ कि भाई मेरी आँखें बंद होने से पहले मैं अपने बेटे को घर बसता हुआ देख लूँ। भगवान आपके साथ ऐसा क्यों करेगा? बेटे पल का पता नहीं चलता, मैं क्या कर सकते हैं। ये तो इतने अच्छे हो, देखो आप अपनी जगह अच्छे हो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। आज भी देखो, बुरा मत मानना, आज भी देखना चाहिए, और आज भी देखो कहाँ तक तुम इसको संभालोगे, कहाँ तक? चलो मान लिया ज्यादा शॉर्ट थे, बट आज तो इतने शॉर्ट भी नहीं है जितने। तो आपके घर में आपको सूट वूट पहनने या जींस वींस नहीं होते आपके पास? मैंने तेरे को बोला था ना, या तुम, या तो तुम, पता है तुम्हारा जितना मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ। नहीं है सिया, पता है क्या, तो अपने ससुराल में आई है अभी, होने वाला लगता है, होने वाला है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है भाई। एटीट्यूड देखो लड़की का, मतलब अभी से ये कह रही है तो आगे से तो पता नहीं क्या ही है। मैं मानता हूँ सैम को पसंद है ऐसे कपड़े, लेकिन यार ये मम्मी है, तो मुझे तो लगा था ना सैम भी होगा। तो यार मैं, तुमने सैम से ही घर गृहस्थी बसानी है क्या? रहना तो घर में ही है ना, ये सैम जहाँ जाएगा तुम्हें कंधे पे बिठा बिठा के लेकर जाएगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो आंटी? मैंने समझ तेरे को बोला था, क्यों इतना गुस्सा करते हो मेरे पे? मैंने बेटा अब भी तुझसे बुला के और तुझसे बात करने का जो रखा है ना, सिर्फ तेरे भाई की बात पे, मुझे तुम्हारे पूरी फैमिली में तेरे पापा 100 में से 60% सही लगे, ये 99 सका, तुम तो किसी गिनती में ही नहीं आ रही हो। आप तो मतलब मेरे पापा को भी कह रहे हो कि 60%। शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं भैया, आप मुझे बता रही, अब मेरे उसके पापा नहीं है, पागल है क्या? तो आप सुन कैसे रहे हो, मतलब ये तो वो अपनी जगह जज कैसे तो कर सकते हो पापा को 60% के? बेटा मतलब मैं तुम्हें ही जज कर लेती हूँ, मैं तुम्हारे को ही जज करके बहुत, आप मुझे कर रहे हो 0% पे कर रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो। अब बताओ बेटा, जब तुम्हारे खड़े हो कि क्या देखा है इस लड़की की, कैसे बनाऊं इस लड़की को अपने घर की बहू? पागल हो गई है क्या तू? ये सब करने के लिए लेके आया हूं क्या तेरे को मैं? तुम इसको नहीं संभाल पाओगे, तुम्हारे ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। मैं नहीं चाहती कि मैं अब तेरा घर बसवाने के लिए लेके आया हूँ तेरे को, तो तू फिर अब ऐसी हरकतें कर रही है, तो तेरे को बोला था ना शांत रहना है, और तेरे को मैंने ये भी बोला था कि सूट डाल लेना, क्यों नहीं डाल? वो सिर्फ नहीं मिला सूट, इनके पास है ही नहीं, कपड़े नहीं है, सिर्फ खरीदती है तो सूरे से कपड़े हैं, मेरे घर में ऐसे नहीं चलेंगे। मैं आपके बेटे को लेके जाती हूँ साथ में खरीदने के लिए, वो जैसे बोलते मैं वैसे ही खरीदती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो फिर उसके साथ ही अकेले में मिलना था और अकेले में ही जाके घर बसा लो। चलो कोई नहीं आंटी, देखो बेटा कहाँ तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ लिमिट्स होती है, और ये हर बारी जान मुझ के ऐसे कपड़े पहन के आती है कि हाँ मैं तो वही करूंगी जो मेरे मन में आएगा, तो ये तो मुझे वो नीचे ही तो गिरा रही है। आंटी ऐसे क्या कर रहे हो आप, एक लाइफ है उसमें भी अपने तरीके से ना जिए। तो मेरी इज्जत भी एक ही बारी होती है और एक ही बारी जाती है,
मुझे भी घर गृहस्थी और मेरे को भी दुनिया देखने, तुम कहीं घूमने जाओ, तुम जैसे मर्जी कपड़े पहनो, मेरी बला से मैं कभी नहीं रोकूंगी नहीं टोकूंगी, लेकिन इस घर में रहना है और इस घर की बहू बन के आना है तो हमारे तौर तरीके से चलना होगा। तो आप मुझे कपड़े दिला दो, आप जो दिलाओगी मैं वो पहन के आऊंगी। से हाथ जुड़वाओ और अपनी बहन को घर लेकर जाओ। ये मेरे घर की रहने दो, भैया रहने दो, इनका बेटा कोई सोने का गुड्डा नहीं है, ठीक है? आप उसको सिर पे बिठा के भैया मुझे नहीं करनी, आप शादी से नहीं करनी तो ठीक है जाओ, मुझे भी नहीं करवानी तुमसे। हां बस मुझे भी नहीं करवानी, हां दो की तुम्हारी लड़की की, मैं तुम्हारे कहने में बिल्कुल मान गई थी, नहीं करनी शादी भैया, चलो बस बहुत हो गया भैया, चलो हां जाओ। एक मिनट, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया यार, हर बार एक ही चीज थोड़ी ना होती है, अगर आपको मेरे कपड़ों से इतनी दिक्कत है तो खरीदवा दो ना मुझे। शांत होएगी नहीं होएगी, क्या हुआ क्या हुआ, किसी का भी नहीं सुनती वो लड़की, तो अब भी समझ जा, ना अपने भाई की सुन रही है ना किसी की सुन रही है, जकड़ कर 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 करके जो बांध देती है। अभी तो नॉर्मल बात चल रही थी ना आप लोगों की, आपने तो बोला था हाँ ठीक है, अभी आ रही थी ना, मैं कैसे सुन लूं हर किसी अपने भाई के साथ आ रही थी ना, जिस लड़की को करना होता है, जिसको जिसके घर में जाना, तो उसको अगर एक बात पता चल गई है कि मुझे किसी, मैं तुम्हारी मम्मी को जज कर रही हूं, मेरा पापा आकर कहे कि 60% है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई 100% है, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तो फिर इम्प्रूव करो ना उसको 60% को, मैं करूंगी ना, तुम क्या कर रही हो, कभी आधे कपड़े कभी इतना कपड़े नहीं सह सकता बेटा, उसको मैं बड़े चुप होते हैं पहले छोटे चुप होंगे, चुप हो जाऊं मैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना, मैं यहां लड़ाई सुलटवाने आया हूं, तू फिर आज लड़ाई कर रही है। इसके खुद के भाई ने इसको बोला था कि घर चल रही है, चल रहे हैं उनके, और कपड़े ठीक से पहन के आ जाए, तब भी वो जानबूझ के यही कपड़े पहन के आई है, अपने भाई की नहीं सुनती, मेरी नहीं सुन रही, किसकी सुनेगी वो लड़की? कपड़े इसको मिले नहीं, गंदे थे इसलिए नहीं पहन के, वो जरूरी नहीं है कपड़े को लेके हर बार बना रहे हो, कपड़े को लेकर इशू बनाना इशू है, आंटी को लगता है मेरे कपड़ों से मेरा करेक्टर जज हो रहा है। देखो कपड़ों से बेटा जुबान से भी होता है, तुम्हारी जुबान भी इतनी लंबी है, तो आंटी आपने शुरू किया है, चुप हो ना तुम, तौबा है ऐसी बहू से तो रोज डेली मुझे सर पकड़ के बैठना पड़ेगा, डेली की डेली। नहीं आंटी देखो पता है ये भी थोड़ा सा गुस्से में निकल गया इसके मुंह से, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, उस दिन आई तब भी गुस्से में ही निकला, जिस दिन ये कपड़े अधसूरे पहन के उस दिन भी गुस्से में निकला, गुस्से में कुछ नहीं निकलता क्योंकि इसकी जुबान तुम लोगों ने लाड प्यार में ना इतनी लंबी कर रखी है, इसको बड़ा छोटा दिखता ही नहीं है कि कैसे बड़ों से बात करनी करती हूँ, तो नाक कटवा के रख रखी है मेरी। तेरे को मैंने बोला था ना यार, तुमने अच्छा खासा मम्मी मम्मी क्या बोल रही थी, बोल रही आपको अच्छा लग रहा है यार, पता है क्या तुम्हारी जवान हो नहीं रही, कपड़ों को लेके बैठ गई सिर्फ, मेरे को बोल रहा हजार बार बोल रहा, मैं सुन रही हूँ, क्यों सुन नहीं सकती थोड़ा, तो पर पापा को क्यों बोल रहे हैं, वो माँ बाप है, तो माँ बाप तुम्हारे तो मेरे भी माँ बाप है, तो तुम्हारा भाई भी है ना, वो उसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला तुम्हारा भाई भी तो है, सह सकते ठीक है, मेरे से नहीं सह जाता, मेरे पापा कोई कुछ बोले, मेरे भाई को कोई कुछ बोलेगा, तो तेरी वजह से तो सुन रहे हैं हम भी, हमें लड़ाई सुलझवाने के लिए, मैं इतना नहीं सह सकती कि मेरे पापा कोई 60% जाके जज करेगा, अरे यार मैं लड़ाई सुलझवाने के लिए आया था, तो लड़ाई सुलझाने का भाई ये बात नहीं है कि बिल्कुल ही उनके पैरों में गिर जाए, भाई गिरना तो पड़ेगा, होने वाली सास है वो, पैरों में होने वाली सास, और क्या सर पे चढ़ के नाचेगी क्या, चलो भाई कोई नहीं लेके जाओ आप इसको ना, बाकी मैं अब देखता हूँ बाद में, ठीक है, मैं तो यार उनसे बात करके गया था, चलो सब ठीक हो जाएगा, पूरा तो, पूरा रायता फैला दिया, तेरे को मैंने रात को ही बोला था कपड़े धो नहीं सकती थी तू, जब तेरे को पता है कपड़े ऐसे पसंद नहीं है उनको, चलो कोई नहीं आना फिर किसी और दिन आना, ठीक है बात करेंगे आराम से बैठ के, अभी माहौल बिल्कुल ही खराब हो गया, आपकी भी मम्मी ने ना सिर्फ कपड़े कपड़े लेके ज्यादा जज कर रही है, वो तो थोड़ा देख लो, चलो मैं बात करता हूँ मम्मी से, देखता हूँ, देखो जरूरी नहीं है कपड़े से हर किसी को जज नहीं किया जाता है, देखो भाई ऐसे कपड़े तो आप ही ने धुलवाए हैं, इसको देखो हमने तो धुलवाई नहीं है, तो ये साथ में ही जाता है जब शॉपिंग करने जाते हैं, तुमने ऐसे क्यों बोला फिर मम्मी से, गुस्सा आ रहा था हर बार एक चीज को, यार मैं सुन के पागल हो गई, नहीं देखो कपड़े को लेके जज करना, तो ये देखो एक उन्होंने वीक पॉइंट पकड़ लिया कि कपड़े कपड़े का, और कुछ हो तो अब देखो गुस्सा तो आएगा, अब जवान खून है तो गुस्सा तो आएगा हर किसी को, भाई देखो करता हूँ अब जाओ भी, बाकी जैसा होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है कर लेना फिर आप बात, चलो ठीक है, ठीक है। तो गाइज देख लो, मतलब बात ना बिल्कुल ही बनने वाली थी, मम्मी मुझे लग रहा था कि मम्मी मान गई, लेकिन अब यार वो लड़की है उसका मतलब उसने एंड टाइम पे पूरा बिगाड़ दिया, पता नहीं यार अब आगे क्या होगा, जो भी होगा आप लोगों को दिखा दूंगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।